तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत बढ़िया होने की। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ PS2 PS3 PS4 रिपेयरिंग के लिए। ठीक है, वहाँ पे मेनली PS2 ही रिपेयर होता है। आप लोग जाओगे PS2 के लिए ही जाना मैक्सिममली, क्योंकि PS3 PS4 के लिए जा सकते हैं, बट थोड़ा सा है। लेकिन अब आपको पता होगा, चांदनी चौक में ज़्यादा मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी चांदनी चौक में जा रहे हो तो अपना थोड़ा ध्यान लगाना, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। उसके बाद ही वहाँ पे कुछ काम कराना, ठीक है गाइस। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को बेल आइकन भी दबा देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे देख सकते हो यार, गेट नंबर 2 लाल किला का है, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ से आना है, सामने जस्ट जैसे ही आओगे आपको लेफ्ट साइड में एक रोड मिलेगा, ठीक है। इसी रोड के अंदर आपको आना है और ज़्यादा सीधे नहीं जाना, यहाँ से भी आपको लेफ्ट लेना है। ये पेड़ देख लो, इस पेड़ से जैसे ही आप लेफ्ट लोगे तो ऐसा कुछ मार्केट दिखेगा आपको, ठीक है। इस मार्केट के बस अंदर ही चलना है और अंदर चल के यहाँ से फर्स्ट राइट जो आएगा ना गाइस, ये मंदिर देख लो, मंदिर भी यहाँ पे, जस्ट मंदिर के सामने ही एक रोड है, मतलब गली है। इसी गली के अंदर आप आओगे तो आपको बस कुछ ही कदम जाना है, 2-3 दुकान छोड़ करके आपको यहाँ पे भैया बैठे हुए मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको पेंडोरा वगैरह दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे भैया आपको मिल जाएंगे, देख सकते हो। तो भैया स्टोर का नंबर क्या है, शॉप का नंबर? शॉप नंबर है यानी 67। 67 तो गाइस 67 में आपको भैया मिल जाएंगे, ठीक है, बैठे हुए। तो गाइस फाइनल यार मैं आ चुका हूँ ओल्ड लाजपत राय मार्केट। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ PS2 PS3 PS4 जो वगैरह होता है वो यहाँ पे रिपेयर हो जाता है। तो मैं अंकल से बात करता हूँ, अंकल बताएंगे क्या क्या होता है यहाँ पे, क्या क्या डील वगैरह करते हैं, ठीक है। क्या क्या काम करते हो गेम के ऊपर? PS2 हो गया, PS3 हो गया, PS3 PS4 PSP रिमोट वगैरह। हाँ, तो क्या काम करते हो? रिपेयर का काम करते हो, सेल परचेस का काम करते हो, या फिर और क्या क्या हो जाता है आपके शॉप पे? रिपेयरिंग भी करते हैं, सेल परचेज भी, और खरीदते बेचते भी है। तो गाइस यहाँ पे सेल परचेज भी होता है और मेन भैया का काम है वो है रिपेयरिंग का। जैसे कि आप देख सकते हो यार, ये सब कुछ रिपेयरिंग का काम करते हैं यहाँ पे भैया, ठीक है। मतलब मेनली आप क्या क्या रिपेयर करते हो और क्या क्या ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं? प्रॉब्लम तो जैसा कि हैंग हो गया PS2 में, हाँ, जाम हो जाता है, हाँ, तो उसे सही करना। हाँ, तो नॉर्मली चार्ज उसका 200 रुपये होता है। 200 रुपये होता है। तो और मतलब PS2 हो गया, PS3 में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या क्या होता है उसमें? PS3 में यानी वीडियो चली जाना है। हाँ, किसी किसी का वीडियो नहीं आता। हाँ, ग्रीन लाइट करना तो रेड हो जाना। हाँ हाँ, रेड लाइट का प्रॉब्लम, रेड लाइट की प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर। अच्छा, रेड लाइट की प्रॉब्लम होती है PS3 में, रेड लाइट की ना। हाँ। तो गाइस ऐसा कुछ है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। और भैया ये बता दो, प्ले स्टेशन के जो रिमोट होते हैं, कंट्रोलर होते हैं, उनका क्या है, उनका वो भी करते हो आप? जैसे किसी का जॉयस्टिक चेंज करना हो गया, कोई बटन काम नहीं कर रहा, तो वो भी आप करते हो? हाँ, वो भी हो जाता है, रिमोट भी हो जाते हैं, रिमोट्स भी सारे, कंट्रोलर भी हो जाता है। हाँ, करते हो। तो गाइस देख सकते हो यार, यहाँ पे मतलब ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, जैसे कि भैया रिपेयर वगैरह करते हैं। अभी मैंने उनको बोला हुआ है कि थोड़ी देर वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद रिपेयर कर लेना। तो अभी लगे हुए हैं भैया। तो भैया मतलब आप कितने सालों से यहाँ पे इसमें काम कर रहे हैं? मुझे हो गई इस मार्केट में 12 साल। 12 साल से आप इस मार्केट में काम कर रहे हो और उस समय से आप रिपेयर कर रहे हो? तो आप रिपेयर कर रहे हो तो क्या कहते हैं, 8-bit की गेम भी रिपेयर करते हो? नहीं, 8-bit की नहीं, 8-bit की नहीं करते हैं जो, और वो बेचते हैं, नहीं वो नहीं बेचते बाप। और जो वो छोटे PSP आते हैं, जो चाइना वाले PSP आते हैं, उन सब होगा? चाइना वाले PSP नहीं करते, लेकिन जो सोनी वाले ओरिजिनल वो रिपेयर करते हैं, वो रिपेयर कर देते हो। मतलब छोटा वाला जो होता है PSP वगैरह भी, वो भी रिपेयर करते हो? हाँ। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें? जैसे कि ये लाइट में वीडियो नहीं आना। हाँ, बैटरी नहीं लगता है, बैटरी फूल जाता है, तो वो सारा कुछ करते हैं। उसमें बटन वगैरह काम नहीं करते, वो भी सही हो जाता। तो गाइस वो से देख सकते हो आप, वहाँ पे ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं यहाँ पे। तो गाइस देख सकते हो यार, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, पूरा है। मेनली PlayStation 2 के लिए फेमस है ये, PlayStation 2 पर ओल्ड लाजपत राय मार्केट में आपको PlayStation 2 रिपेयर करते हुए ये भी यहाँ दिखेंगे। अभी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुरेंद्र, कल्लू बोलते हैं। जैसे कल्लू के नाम से पहचानते हैं, है ना, वैसे सुरेंद्र नाम है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी हैं, ठीक है। और भैया पेंडोरा का क्या है, पेंडोरा के रिलेटेड आपका क्या काम है? पेंडोरा हम नया बेचते हो आप? हाँ, नया बेचते हो। हाँ। तो पेंडोरा उसमें कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी गेमें वगैरह होती हैं और किस किस में चल जाएगा वो? LED पे चलता है, LED भी चलता है ना। अच्छा, वो ऐसे TV में नहीं चलेगा? नहीं, 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 नहीं चलता।
तो अच्छा LED में चलेगा, HDMI में चलता है। तो गाइस जैसे देख सकते हैं इसमें HDMI वगैरह होता है, ऐसा ही होता है इसमें, यही सब चलता है। तो इसको मतलब इसमें कौन कौन सी गेम वगैरह होती हैं? इसमें गेमें होती हैं कॉन्ट्रा हो गई, मारियो हो गई, स्ट्रीट फाइटर हो गई, अच्छा मुस्तफ़ा हो गई या मुस्तफ़ा ज़्यादा लोग खेलते हैं, टेकन थ्री हो गई, टेकन टू, टेकन टेक वगैरह, टेकन टेक नहीं होता। और भी जो पेंडोरा है इसके हाई लेवल का जो पेंडोरा आता है वो कितने तक का हो जाता है? वो इसके हाई लेवल में यही है। और जो इसका जो रेट है वो क्या होगा? इसका रेट है यानी 6000। 6000 रुपये। तो गाइस दिखाता हूँ मैं आपको पेंडोरा, जो 6000 वाला जो पेंडोरा बता रहे हैं भैया वो ये है, ठीक है, ये 6000 वाला है, देख सकते हो। और यहाँ पे गेम्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, छोटे मोटे गेम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और बता रहा हूँ तो आपको ये लेना हो रसीला वगैरह तो वो सारे काम भी हो जाते हैं भैया का, देख लो चेहरा अगर आना हो आप आ जाना, रिपेयरिंग वगैरह कराना हो रिपेयर करा सकते हो। मेनली प्ले स्टेशन 2 के लिए ज़्यादा फेमस है, ठीक है, प्ले स्टेशन 2 के लिए ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो गाइस जिसको कराना हो आप आके करा सकते हो और सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यहाँ का एड्रेस बता दो, अगर किसी को आना होगा तो वो कैसे आएगा? एड्रेस है यहाँ का मेन लाल किला। लाल किला में कहाँ से मतलब कैसे आएंगे अगर किसी को आना हो तो? मेट्रो से आना है तो 2 नंबर मेट्रो स्टेशन पे करना, गेट नंबर 2 में, गेट नंबर 2 पे। हाँ, और नंबर वगैरह बता दो भैया, मोबाइल नंबर। हाँ, मोबाइल नंबर है 87। हाँ, 00588984। ओके, तो गाइस नंबर ले लिया आपने, नंबर नोट कर लो, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइस वीडियो कैसे लगे, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा लेना। चलो वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।